और सबसे पहले मैं आपके यू नो चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और साथ में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि आपके चैनल के हर श्रोता का आने वाला हर पल हर घड़ी शुभ हो, मंगलमय हो। और बाकी बहुरानी आप देख ही रहे हैं, जो जिनका आपने जिक्र किया, बहुत ही सुंदर हैं, सुशील हैं, संवेदनशील हैं और संस्कारी है, ऐसा इनका सोचना है। अच्छा क्या कहना चाहिए, तो क्या मैं संस्कारी नहीं हूँ? बिल्कुल है, बिल्कुल तभी तो हमारी शादी हुई है। अच्छा ओके, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये मूवी में मैं इनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही हूँ और दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और अच्छा लग रहा है कि हर एक चीज़ें प्रॉपर तरीके से भी हो रही है यहाँ पे, शूट से लेके हर एक चीज़। एंड सो दैट्स व्हाई मुझे अच्छा लग रहा है हमारी और हमारे भी काफ़ी अच्छी है, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बाहर ये सब अच्छी है। देव शक्ति एंटरटेनमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को इस फिल्म में लिया, एज ए हीरो लिया, इनको एज ए हीरोइन लिया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि वो ये जो फिल्म बन रही है वो अच्छी फिल्म बने और आगे भी वैसी अच्छी फिल्में बनाते रहें, और क्योंकि ये एक जो फिल्म बन रही है तीन भरवानियाँ, एक पारिवारिक फिल्म है, इसमें कोई अश्लील चीज़ नहीं है, कोई आजकल का जो चल रहा है वेब सीरीज में या हर जगह यू नो अश्लीलता परोसी जा रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साफ सुथरी फिल्म है जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख कर इंजॉय कर सकते हैं, पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं साथ साथ, राइट? जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करी जाए तो डायरेक्टर जो है रंजीत सिंह, बहुत ही कूल डायरेक्टर है और उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। मैंने उनके साथ तीन गाने किए थे टी सीरीज के म्यूजिक एल्बम के गाने, लेकिन वो भी भोजपुरी में ही थे, तो उनके साथ मेरा काम करने का अनुभव पुराना भी है और अच्छा भी है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा तो मैं एज ए हीरो लूँगा, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मैं भी अपना वादा पूरा करने के लिए मैंने भी उनको बोला था कि मैं जब भी आप बनाएंगे तो मैं आपको, जब भी मुझे याद करेंगे मैं आपके साथ काम करने के लिए हमेशा याद यू नो हमेशा रेडी रहूँगा। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, मैंने भी अपना वादा पूरा किया और आज वादा पूरा करते करते हम आपके सामने हैं, आपके बीच में हैं और आपको इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर साहब हमारे बहुत ही अच्छे हैं और इतने अच्छे से हमारा शूट चल रहा है कि किसी को एकदम स्ट्रेस नहीं दे रहे, बहुत आराम से और अच्छी तरीके से हमारा शूट चल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सारी टीम अच्छी है, कैमरा मैन से लेके प्रोड्यूसर मैम से लेके डायरेक्टर साहब, पूरी टीम बहुत अच्छी है, सो वी आर वेरी हैप्पी। और इनके जो प्रोड्यूसर है तनु प्रियंका जी, रामकरण कुमार जी, शंकु जी, सभी बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छा इन्होंने टीम सजाई है, बहुत ही अच्छा यूनिट है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसे काम करते रहें और हम भी इनके साथ आगे काम करते रहें। तो इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं रीना जी आप? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ये मूवी दिस इज़ माय फर्स्ट मूवी, भोजपुरी मूवी जो है मेरी फर्स्ट मूवी है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसमें जो नए नए डायलॉग्स रहेंगे वो ट्विस्ट में रहेंगे, वो मेरे लिए काफ़ी टफ चैलेंज रहेगा। सो मैं कर रही हूँ, मेरी तरफ से मैंने सारी अच्छे से कोशिश कर रही हूँ और करूँगी। एक्चुअली इनके लिए जो भोजपुरी लैंग्वेज है वो इनके लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, बट हम लोग मैंने तो थोड़ा बहुत सभी भोजपुरी में काम किया, जैसे कि मैंने सीरियल्स किए हैं, एल्बम्स किए हैं, इन्होंने बिल्कुल भोजपुरी में कभी काम नहीं किया, लेकिन इनके लिए एक चैलेंजिंग जॉब है ये, इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट किया है और अच्छा काम कर रही हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा काम करेंगी। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छी है, देखिए अच्छी है, एकदम सॉलिड है, कैमरे के सामने अच्छी है। अच्छा सॉलिड ट्यून है, अच्छी है, हाँ अंडरस्टैंडिंग है, सो वी आर हैप्पी कि जो भी अंडरस्टैंडिंग से जो भी चीजें चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है। ऑफ स्क्रीन भी हाँ लड़ाई मस्ती होती रहती है बट सॉल्व हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी होता है, जहाँ दो बर्तन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट ओनली फ्रेंड्स, वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन क्या होता है ना कि जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार तो होता ही है, तो कभी कभी नोक झोंक होती है, ऊंच नीच होती है, कभी कभी विचारों का आदान प्रदान होता है, तो कभी कभी विचार नहीं मिलते हैं कभी कभी, लेकिन उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं और दूसरे की यू नो। और वही लड़ाई में जब जो विचार बदल जाते हैं, यानी झगड़ा जब हो जाता है बट उसके बाद सारी चीजें अच्छे से सॉल्व हो जाती है, तो वही है कि अंडरस्टैंडिंग दोनों में, और वही अंडरस्टैंडिंग हमें फिल्म में भी दिखानी है, तीन भरोनिया में आपको देखने को मिलेगी। अरे इनको बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है,
तो इनको मैं बना लेता हूँ, कभी इनका इनकी केयर करता हूँ, इनके लिए खाना लेके आता हूँ, इनको कभी खिलाता भी हूँ साथ में और इसके अलावा इनसे पूछता रहता हूँ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. इनको ठंड लग रही तो इनको शॉल भी ला के देता हूँ, अभी शॉल इन्होंने उतारी हुई है फिलहाल. तो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ जिनको, जिससे छोटी छोटी, हालांकि ये छोटी छोटी चीज़ें है लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ मिलती हैं तो ये खुश हो जाती है और इसी में मेरी खुशी है. मुझे मनाना काफी मुश्किल है, इनको अच्छे से पता है तो फिर भी मैं मना लेता हूँ. रियल लाइफ में मनाना कितना मुश्किल है? नहीं वो तो है थोड़ा, बट सामने वाले बंदे पे डिपेंड है वो कैसे मेरे को मना रहा है. तो अगर ताकि कोई आप रूठे तो आपको जल्दी कोई मना ले. हाँ तो मनाया उन्होंने एक्चुअली. एक्चुअली कल थोड़ा सा हम दोनों में झगड़ा हो गया, बट एक्चुअली वो सॉल्व भी हो गया. बट जब मैं रोई तो इनके आंसू, इनके आंखों में भी आंसू आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें भी नम हो गई, नम हो गई थी तो अच्छा लगा. चलो छोड़ो, मैंने बोला कि छोड़ो जो भी झगड़ा हो गया साइड में हटाओ. दर्शकों से यही बोलूंगी कि हमारी जो मूवी है तीन बहुरानियां, उसमें मेरा सेकंड कैरेक्टर, जैसे बहू का सेकंड नंबर बहू का कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर, सेंटर वाला. या सो अच्छा कैरेक्टर है. और मेरी भोजपुरी पहली मूवी है तो मैं चाहती हूँ आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे और बहुत और ज़्यादा बना के रखो. और मैं चाहती हूँ कि जैसी हमारी मूवी अच्छे से कंप्लीट हो जाती हो तो फिर आप सब देखने के लिए जाओ. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड कीप लव एंड मैंने टीवी सीरियल्स में काम करती हूँ, जैसे कि मैं स्टार प्लस, कलर्स, जी टीवी, इन टीवी सीरियल में, हिंदी टीवी सीरियल्स में मैंने काम किए हैं. और मैं वेब सीरीज मैंने की है और अभी मेरी नेक्स्ट वेब सीरीज भी आ रही है. और मूवीज़ में काम किया, हिंदी मूवीज़ में, शॉर्ट फिल्म्स वो तो चलते ही रहता है नॉर्मली. हिंदी में एक्चुअली मैंने बागी टू में काम किया है, उसमें भी मेरा अच्छा कैरेक्टर था एंड दैट वाज माय फर्स्ट मूवी. सो तब से मुझे थोड़ा एक हिम्मत भी आ गई कि चलो मैं कुछ कर सकती हूँ. सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि चलो आगे लाइफ बढ़ती गई, अपॉर्चुनिटीज आती रही तो फिर मैंने अपनाया और आगे बढ़ती गई. सबसे पहले जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि हमने पहले कभी काम किया है या नहीं किया, हमने पहले काम तो नहीं किया लेकिन हाँ इनकी जो डिस्कवरी हुई, ये कहाँ से नोटिस हुई, ये एक टैलेंट हंट हो रहा था, मॉडलिंग कॉन्टेस्ट था, उसमें ये कंटेस्टेंट थी और मैं जज था. तो वहाँ पर ये विनर घोषित हुई क्योंकि उसमें मैंने भी जजिंग की थी. तो बाई चांस ये हम फिर एक दो बारी टकराए गए कहीं पे किसी ऑफिस में, तो हमने इनसे बात करी कि क्या वो ये मूवी करना चाहेंगी, इनसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया. तो इन्होंने विलिंगली एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे को मूवी करनी है और मैं अच्छे तरीके से करूँगी. तो वहाँ से इनकी डिस्कवरी हुई. तो ये हमारा मतलब समझ लो सेकेंड वो है, एक प्रोजेक्ट साथ में है, ऑन स्क्रीन फर्स्ट है लेकिन वैसे सेकेंड है. कि मैं इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ और मेरे अभी तक 100 से ज़्यादा सीरियल टीवी पर आ चुके हैं. मैं कुछ प्रमुख सीरियल्स के नाम आपको बताता हूँ, जैसे कि CID, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, क्राइम अलर्ट, इस प्यार को क्या नाम दूँ, क्या हुआ तेरा वादा, ससुराल गेंदा फूल, ससुराल सिमर कार, डोली अरमानों की, तू आशिकी, नामकरण, संकट मोचन हनुमान, मीरा, जय 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 बजरंग बली, अभी लेटेस्ट मेरा चल रहा था हमारी वाली गुड न्यूज़, और अभी जो चल रहा है DD पर फिर सुबह होगी. तो इस ऐसे अनगिनत यू नो सीरियल्स हैं जो यू नो मेरे आ चुके हैं. अगर मैं सारे सीरियल्स के नाम लूँगा तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि कमी में बता दूँ. और इसके अलावा मेरी कुछ वेब सीरीज़ आ रही है, जैसे वेब सीरीज़ का नाम है द जजमेंट डे, ये आ रही है. इसके अलावा एक आ रही है पड़ोसन धमाल, इसके बाद आ रही है कबाब, और 3-4 वेब सीरीज और भी आ रही हैं. तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए. उसके अलावा मेरे काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस आ चुके हैं टी सीरीज़ पर, कुछ शाहरुख खान के गाने हैं जो टी सीरीज़ वाले मुझसे ही करवाते थे. उसके अलावा रिमिक्स सॉन्ग्स भी किए हैं और काफ़ी सारे. अभी लेटेस्ट मेरा एक सॉन्ग था जो वो लड़की याद आती है, उसके 100 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, जो सुपर हिट सॉन्ग गया है वो लड़की याद आती है, आपने सुना होगा. उसके अलावा मेरे 50-60 ऐड आ चुके हैं, कपिल देव जी के साथ आ चुका है, सनी लियोनी के साथ आ चुका है, बहुत सारे इंटरनेशनल एड्स भी आ चुके हैं. और इसके अलावा मैंने एंकरिंग भी किया ऑल इंडिया रेडियो पर, FM2 चैनल 106.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मीडियम वेव चैनल 1017 किलोहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली में.
और इसके अलावा थिएटर भी किया है श्री भानु भारती जी के साथ, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर रह चुके हैं। और उसके अलावा उर्दू प्ले भी किया है रंगून की एक शाम। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और साथ साथ करते जा रहे हैं, कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छा काम करेंगे। ये पहली भोजपुरी, हिंदी भोजपुरी मूवी है मेरी और उम्मीद करते हैं कि आगे मेरा काम देख के मुझे लोग और भी काम देंगे, अच्छा काम देंगे और मैं आपके साथ यूँ ही बना रहूँगा। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यूँ ही मिलता रहेगा।